मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनुभूति सिंह चुंडावत फ्रॉम श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शेयरिंग ऑफ पावर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास सेवन्थ और क्लास टेंथ के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं शेयरिंग ऑफ पावर्स। आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरेशन? फेडरेशन मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सब्जेक्ट्स को लिस्ट वाइज डिवाइड किया है। तो हमारे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर थ्री लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्वेंट लिस्ट। अब हम पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन पर लॉ बनाने का राइट किसको है। तो फर्स्ट लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 97 सब्जेक्ट्स लाइक करेंसी, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड रेलवेज एक्सेट्रा। इन सब्जेक्ट्स के अलावा इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, और इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का राइट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, करेंसी। करेंसी आपको पता है ऑल ओवर इंडिया जो हमारी करेंसी है वो क्या है? इंडियन रुपी। और इस पर जो लॉ चाहिए वो यूनिफॉर्म लॉ चाहिए, पूरी कंट्री में एक ही लॉ चलेगा करेंसी के ऊपर। इसलिए इन सब्जेक्ट्स को किसके अंदर रखा गया है? यूनियन लिस्ट के अंदर। सेकंड हमारा लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इट इंक्लूड्स अराउंड 66 सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई इंटरफेयर स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं रहता है रिगार्डिंग दीज सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस। आपने देखा है हम डिफरेंट स्टेट्स विजिट करते हैं तो आपने देखा है कि पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनको रखा गया है सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट के अंदर। तो डिफरेंट जो स्टेट्स होंगी उनको पुलिस के जो लॉज होंगे वो डिफरेंट होंगे डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर। इसी तरीके से आप देखिए एग्रीकल्चर, इरीगेशन, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये रखे जाते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट की मदद से जो इनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है स्टेट के अंदर। नाउ थर्ड वन इज कॉन्क्रेंट लिस्ट। कॉन्क्रेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट रखे जाते हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं और ना स्टेट लिस्ट में आते हैं लाइक एजुकेशन, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर। एंड अराउंड 47 जो सब्जेक्ट हैं वो कॉन्क्रेंट लिस्ट में रखे गए हैं। अब यहाँ तो हमने पढ़ा कि जो यूनियन लिस्ट थी उस पर लॉ बनाने का राइट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यहाँ हमने पढ़ा कि स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट थे उन पर लॉ बनाने का राइट केवल स्टेट गवर्नमेंट को है। तो कॉन्क्रेंट लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाते हैं। दोनों ने कोई लॉ बनाया, अगर उनमें दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहाँ पर जो प्रिवेल दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को दी जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको प्रायोरिटी दी जाती है कॉन्क्रेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी एक सब्जेक्ट है लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने रखा है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में। क्योंकि बच्चों ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट आया उस समय हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन चुका था, तो इसको हमने रखा है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल उसी को राइट है कि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ईजिली इसलिए रन कर पाती है क्योंकि उसने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट लिस्ट में डिवाइड किए हुए हैं, और हर लिस्ट को ये पता है कि उस से रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ कौन बनाएगा। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करेंगे वहाँ पर भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रेंट लिस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं लाइक एजुकेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट का सब्जेक्ट है। मोस्टली हम लोग इसको रॉन्ग करते हैं, हम सोचते हैं कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है बट ये सब्जेक्ट है कॉन्क्रेंट लिस्ट का। ओके बेटा, तो ये जो टॉपिक है आप रिवाइज करेंगे और इससे जो रिलेटेड असाइनमेंट है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। थैंक यू।